गाइज, तो आज का जो मेकअप ट्यूटोरियल है वो थोड़ा सा फेस्टिव मेकअप है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख सकते हो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा अपने फेस को क्लीन कर लिया है अच्छे से, एंड अब गुड वाइब्स का टोनर यूज करूँगी। तो अब ये अच्छे से फेस पे एब्जर्ब हो जाएगा, देन मैं अपना मेकअप स्टार्ट करूँगी। तब तक मैं इसको हवा करती रहती हूँ ऐसे ही। सो मैंने यहाँ पे सबसे पहले प्राइमर यूज करूँगी, और प्राइमर है जैसे कि पता ही है, पहले भी मैंने यूज किया है बहुत सारे वीडियोस पे, मास्टर प्राइम मेबलिन का है। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने ले लिया है फाउंडेशन, और जो कि है लॉरियल इनफेलिबल फाउंडेशन है, और इसका शेड है हनी। तो यहाँ पे मैंने डॉट डॉट कर लिया है, और ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से मैं इसको पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। सो इसके बाद मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ मेबलिन न्यूयॉर्क का जो न्यू एज वाला जो कॉन्सीलर है ना, वो यूज कर रही हूँ यहाँ पे, और इसका शेड है मीडियम। तो इसको मैं अच्छे से अप्लाई करने के बाद इसको भी मैं ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से पूरे फेस पे अप्लाई करूँगी। आईलिड पे भी मैं अच्छे से कॉन्सीलर को अच्छे से सेट कर लूँगी, ताकि मेकअप अच्छे से, आई मेकअप अच्छे से हो जाए। इसके बाद मैं मेकअप जो किया है अभी व्हील कॉन्सीलर के बाद इसको सेट कर लूँगी अच्छे से। तो यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ के ब्यूटी का लूज पाउडर, और इसका शेड भी देख सकते हो गोल्डन टाइप का है थोड़ा सा, जो कि मेरी स्किन टोन के साथ अच्छे से चला गया। तो इसके बाद मैं इसको अच्छे से अप्लाई कर लूँगी जहाँ जहाँ पे मैंने कॉन्सीलर यूज किया है। तो अब मैं यहाँ पे काजल यूज कर लूँगी, देन इसके बाद मैं आई मेकअप करूँगी। सो नाउ मैं यहाँ पे जितने भी लूज पाउडर था जो वो सेट हो गया है, तो अभी मैं इसको निकाल रही हूँ एंड अच्छे से थोड़ा सा फेस को क्लीन कर दूँगी। पास जो आई शेडो पैलेट था तो उसी में से एक ब्राउन नहीं मतलब जो अपना स्किन टोन के साथ जो चला जाए वो वाला कलर लेके इसको अच्छे से फिल कर रही हूँ आईलिड पे, देन इसको अच्छे से दोनों आईज पे कर लूँगी। सो अब मैं यहाँ पे अपना लिप टाइप भी कंप्लीट कर ली है। अब मैं एक छोटा सा ब्रश लेके यहाँ पे अपने आईलिड पे कॉन्सीलर से फिल करूँगी, ताकि जो मैं यहाँ पे आई शेडो से जो ग्लिटरी वाला जो शेड था थोड़ा सा, तो वो यूज करूँगी यहाँ पे। तो इसके लिए मैं पहले अपने जो एक कट टाइप का करने की कोशिश की है बस। आई नो इट्स नॉट लाइक गुड, मतलब अच्छा बना नहीं है, बट फिर भी मैंने कोशिश की है कि एक अच्छा वाला लुक आ जाए। सो लिप टाइप पे भी मैं यहाँ पे ड्रॉ कर ली है अपने कॉन्सीलर से। तो इसके बाद मैं यहाँ पे देख सकते हो जैसे मैंने राइट पे किया है वही सेम कलर लेके यहाँ पे फिल करूँगी। तो यहाँ पे मैं पर्पल टाइप का एक सेट लेके यहाँ पे फिल करूँगी जहाँ पे कॉन्सीलर लगाया है मैंने। तो यहाँ पे अच्छे से फिल करने के बाद मैं लोअर लेसेस पे भी, मतलब कि जो जहाँ पे काजल लगाए उसके नीचे थोड़ा सा लगा लूँगी वही वाला सेड आई शेडो लेके, ताकि लुक थोड़ा सा अच्छा आए।
तो नेक्स्ट मैं यहाँ पे स्विस ब्यूटी का ब्लशर यूज करूँगी। तो ये वाला ब्लशर का कलर है जो है वो मेरा आई शेडो से पूरा मैच था, तो थोड़ी ये भी थोड़ा पिंकिश टाइप का है। तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा ब्रश लेके यहाँ पे देख सकते हो अप्लाई किया, एंड इसको एक बड़े ब्रश की मदद से दोनों चीक्स पे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। नाउ इट्स टाइम टू यूज हाइलाइटर। तो यहाँ पे हाइलाइटर के मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का हाइलाइटर। तो अप्लाई कर लेते हैं थोड़ा ब्रो आईब्रो जो बोन होता है उस पर थोड़ा सा अप्लाई कर रही हूँ मैं, एंड जहाँ जहाँ जो हाई पॉइंट्स होते हैं अपने फेस का वहाँ वहाँ यूज करूँगी ताकि थोड़ा सा अच्छा लुक आ जाए। तो अभी मैं थोड़ा सा जो मैंने आई शेडो लगाया हुआ है ना तो उसके ऊपर हाइलाइटर का जो हाइलाइटर शेड था मेरा वो थोड़ा सा लाइक ग्लिटरी टाइप का है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा यूज करूँ ताकि लुक थोड़ा सा अच्छा आए। मतलब जैसे कि फेस्टिव मेकअप पे थोड़ा सा मतलब जो होता है ना लाइक ग्लिटरी टाइप का, तो वो लाने के लिए मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ। तो अब बारी है लाइनर की। तो लाइनर मैं पहली बार यूज कर रही हूँ, अगर गलती हो जाए तो माफ़ करना, क्योंकि मैं यहाँ पे मेबेलिन न्यूयॉर्क का जो जेल लाइनर है तो उसके साथ जो ब्रश दिया है उसी से क्रिएट करने की कोशिश की है बस। तो होप सो आपको अच्छा लगे। तो यहाँ पे छोटा सा लाइन मैं ड्रॉ करूँगी एंड कोई विंग नहीं निकालूँगी, मैं नॉर्मल से रखूँगी। और यहाँ पे देख सकते हो मेरा जो लुक है मतलब कि लाइनर वाला तो वो कंप्लीट है। सो अभी फ़िलहाल मेरा जो आईलाइनर था वो मैंने लगा लिया है। नाउ हमारी जो बारी है वो लिपस्टिक की। देख सकते हो अभी मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ मास्करा जो कि हिलरी उडा या फिर कुछ ऐसा ब्रांड का था मेरे पास, तो वही लगा लिया है मैंने। एंड अभी मैं स्विस ब्यूटी की फिक्सर के साथ अपने सारे जो चीज़ लगाए वो अच्छे से पैक कर लूँगी ताकि वो सेट हो जाए। तो आफ्टर दैट मैं यहाँ पे थोड़ा सा नोज को अच्छे से हाईलाइट कर रही हूँ एंड चीक बोन पे एंड चिन पे अच्छे से लगा रही हूँ ताकि मतलब जो फेस्टिव है लाइक थोड़ा सा हाईलाइट होना ज़रूरी है। और यहाँ पे मैं लिपस्टिक के लिए यूज कर रही हूँ L18 का कलर पॉप जो मैट लिपस्टिक है वही वाला रेड वाला यूज कर रही हूँ यहाँ पे। तो बस दैट्स इट। तो फाइनली माय मेकअप इज़ डन एंड दिस इज़ माय फाइनल लुक। तो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में या फिर नेक्स्ट मेकअप वीडियो में। तो बने रहेगा साथ में। बाय।